एक एक कदम आगे। कितने सुंदर शब्द हैं ये, आने वाले कल के प्रति कितना विश्वास झलकता है इन शब्दों में। और इन शब्दों की प्रेरणा हमें मिली गिजुभाई बदेका की पुस्तक दिवा स्वप्न से। गिजुभाई बदेका ने 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में अनूठे प्रयोग किए। आज करीब एक शताब्दी के बाद जब हम दिवा स्वप्न पर नजर डालते हैं तो हमें लगता है हमें आज भी ठीक वैसे ही चलते रहना होगा, एक एक कदम आगे। आज जैसा कि गिजुभाई चाहते थे, शिक्षा बाल केंद्रित होने की ओर अग्रसर है। बदलते समय में लक्ष्य वही है। हाँ, ये हो सकता है दृष्टिकोण में परिवर्तन आया हो। हमारे स्वप्न भी वही हैं जो गिजुभाई के थे, बस इसी संदर्भ में ये प्रयास। तो चलिए करते हैं शुरुआत शुरू से। गिजुभाई का बाल साहित्य व्यापक था, बच्चों की उनकी समझ उसमें साफ झलकती है। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी पुस्तक दिवा स्वप्न लेखा जोखा है भावनगर दक्षिण मूर्ति में किए गए उनके प्रयोगों का। ये बात अक्सर मन में उठती है, कैसे रहे होंगे गिजुभाई बदेका, कहाँ से शुरू करें उन्हें समझने का सुंदर सफर। सबसे पहला और सबसे एक ही जगह उनकी सारी बातें जो उन्होंने प्रयोग किए उसके मिल जाने वाले, तो उनका दिवा स्वप्न देखना चाहिए। दिवा स्वप्न उनकी श्रेष्ठतम कृति है। और दिवा स्वप्न का मतलब होता है एक बहुत ही जटिल कठिन काम। दिन में सपने देखना बहुत कठिन होता है, उसी तरीके से उनने दिन में सपने देखने की कोशिश की थी और एक असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया था। तो पहली बेसिक किताब तो उनकी दिवा स्वप्न है। जी, सबसे पहले एक राजस्थान सरकार एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है टीचर्स टुडे। तो उसमें आज से 15-16 साल पहले एक विशेषांक में पूरी दिवा स्वप्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छापती, और वो पढ़ करके तो मैं एकदम गदगद हो गया, क्योंकि इससे पहले काफ़ी कुछ साहित्य शिक्षा पे पढ़ा था पर हमारे देश में इस तरह का प्रयोग हुआ है ये पहली बार। इतना सुंदर प्रयोग ये मैंने पहली बार पढ़ा। बचपन से ही ऐसा लगता था कि हमारे घर में जो गिजुभाई की स्पिरिट है, उनके जो विचार है वह जीवंत है, क्योंकि मेरे माता पिता भी बिल्कुल गिजुभाई की जो बातें थी, गिजुभाई के जो मान्यताएं थी, उसी हिसाब से उन्होंने हमारी जो अपब्रिंगिंग की, हमारे घर में जो माहौल बना रहा वो शायद हम सोचते हैं कि जैसे गिजुभाई के घर में होता होगा ऐसा ही होगा। भाई, गिजुभाई पेशे से तो वकील थे और गांधी जी की तरह कुछ वर्ष साउथ अफ्रीका में जाके रहे, वहाँ से वापस आने के बाद में बम्बई के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। उसी समय उन्हें एक पुत्र जन्मे, नरेंद्र भाई का जन्म हुआ, और नरेंद्र भाई के लालन पालन के लिए वो शिक्षा साहित्य का अध्ययन करने लगे। एक ओर तो वकालत से उनका दिल ऊब गया था, झूठ फरेब इस तरह का उनके बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र भाई के लालन पालन के लिए तो उस समय जो जानी मानी शिक्षाविद थी 1910 के 15 के दशक के समय, वो मॉन्टेसरी थी। तो उन्होंने मॉन्टेसरी का बहुत गहन अध्ययन किया और उनकी शिक्षा प्रणाली के अनुसार ही नरेंद्र भाई को, तो ये मेरे ख्याल से उनका शिक्षा के साथ पहला इत्तेफाक था। और उसके बाद में भावनगर में दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर में 20 साल तक वो बिल्कुल ठोस बच्चों के साथ में तमाम उन्होंने प्रयोग किए। गिजुभाई ने बच्चे को केंद्र में रखा, बच्चे को आनंद आता है या नहीं आता है यही मुख्य बात थी, और उनके आनंद के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए, और उनमें से बिल्कुल पहले प्रयोग में ही वो निष्फल गए थे। जैसे कि आपने दिवा स्वप्न में पढ़ा होगा कि वो ओम शांति कह के सोचा था कि सब बच्चे शांत हो जाएंगे, लेकिन वो शांत नहीं हुए, लेकिन वो हारे नहीं और वो प्रयोग करते रहे। बच्चे सीखें, बच्चे करें, बच्चे खेलें। गिजुभाई का तो इतना ज़बरदस्त, बच्चों को वो तो देवता मानते थे। जब बच्चे स्कूल आते थे तो आज तक हमें ऐसी ट्रेडिशन कहीं नहीं मिलती है। गिजुभाई दरवाजे पर खड़े होकर रिसीव करते थे, कहते थे आओ मोहन भाई, आओ सोहन भाई, आओ लीला बेन, आओ सीता बेन, इस तरीके से कह करके उनको रिसीव करते थे।
और जब बच्चे छुट्टी के बाद जाया करते थे तो वो कहा करते थे, फिर आओ जो सीता बहन, फिर आओ जो लीला बहन, फिर आओ जो मोहन भाई, इस तरीके से उनको फिर आमंत्रित करते थे। बच्चा खुश है या नहीं, उसके नाखून साफ है या नहीं, उसकी टोपी मैली है या नहीं, मतलब हर चीज़ पे ध्यान देते थे। जबकि उनके समय के शिक्षक ये सोचते थे कि हमारा काम तो केवल पाठ्यपुस्तक से है, हमें बच्चे के खुश होने या ना होने या उसका स्वच्छ होना या अस्वच्छ होना, उससे हमारा क्या संबंध। लेकिन मैंने जो कहा ना कि गिजू भाई ने पूरा उसका नज़रिया बदल दिया और बच्चे के साथ यानी बच्चे का स्वस्थ होना, ये शिक्षा का पहला कदम होना चाहिए। गिजू भाई काफ़ी कम उम्र में उनका देहांत हुआ, 54 वर्ष के थे जब उनका देहांत हुआ, और 200 से अधिक कहानियाँ उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। जो कोई भी गुजरात से आया उस समय एक गुजरात के अंदर एक मुहिम जैसा, ये 20 का दशक था जब बच्चों की बहुत पिटाई लगती थी, ऐसा समझा जाता था कि जब तक छड़ी से मारोगे नहीं तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं, तो इसके खिलाफ उन्होंने एक बच्चों की एक वानर सेना जैसी गठित की। और अगर कोई बच्चों को मारता माँ बाप तो ये वानर सेना जो बच्चों का ही समूह होता था वो उन माँ बाप के पास पहुँच जाता था उनसे प्रश्न पूछने के लिए, तो इससे कुछ राहत मिली। और उन्होंने गुजरात के अंदर इस तरह के एक बाल मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला जैसी एक प्रेरित की, एक नया एक तरह की एक लहर आई बाल शिक्षण के केंद्र के अंदर, और उन्होंने माता पिता और शिक्षकों के लिए 20 किताबें लिखी जो सभी गुजराती में थी। पर अगर मान लीजिए अगर उन्होंने मात्र अपने जीवन में एक किताब लिखी होती दिवास्वप्न, तो एक मतलब एक दुनिया के विश्व के महान शिक्षाविद की हैसियत से उनकी रोशनी बुलंद होती। उन्होंने जितना लिखा इतना अधिक लिखा कि शायद उनके जो 18-20 साल जो उन्होंने शिक्षण के विचार और शिक्षण की पद्धति और शिक्षण की जो प्रैक्टिस में बिताए, वो शायद 50 साल बाद आज 70 साल बाद भी कोई इतना नहीं कर पाया है। तो स्पिरिट तो था ही, उनका स्पिरिट था, एक तो बच्चों का दिल था उनका, बच्चों के दिमाग में अंदर जाके बच्चों के विचार, बच्चों की जो मान्यताएं हैं, बच्चों के जो डर है अंदर के, बहुत अंदर के गहरे डर, वो उन्होंने अंदर जाके भीतर जाके उन्होंने देखा। फिर बाल दर्शन में छोटे छोटे से कोटेशन से जिनमें उन्होंने बच्चों को कहा है मेरे बाल देवता हैं, बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मैं खेलूं कहाँ, मैं कूदूं कहाँ, यदि खेलता हूँ कूदता हूँ आवाज़ करता हूँ तो माँ बाप भाई बहन सब मना करते हैं, इनकार करते हैं, किसी को गिरने का डर है, किसी को शोर होने का की वजह से दिक्कत है, इस तरीके से मुझ पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। गिजू भाई पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की स्वतंत्रता बाल मुक्ति का अभियान चलाया। एक तो ये भी थी कि उन्होंने देखा होगा कि हमारी जो पूरी शिक्षा पद्धति थी इससे पहले की वो बहुत रटन पे आधारित थी, इम्तहान है, हाजिरी है, रटना है, ये सब एक तरह के प्रतीक हैं। जैसे कि हम कभी मंदिर में जाते हैं तो लोग फूल, नारियल, अगरबत्ती इस तरह के लेके जाते हैं, पर चाहे हमारे दिल में श्रद्धा हो ना हो फिर भी हम प्रतीक, तो ये सब जो शिक्षा में आजकल प्रतीकों पर ज़्यादा ध्यान है कि बच्चों का गणवेश हो, एक यूनिफॉर्म हो, हाजिरी हो, होमवर्क हो, पाठ्यपुस्तकें हों, पर उनका इसका सीखने सिखाने से कोई लेने देना नहीं। तो वो मेरे ख्याल से एक क्योंकि एक बुनियादी सोच वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने ऐसा भी नहीं कि मॉन्टेसरी को सीधे के सीधे अपनाया हो, मॉन्टेसरी के साथ उनके उनके काफ़ी काफ़ी मुद्दों के ऊपर काफ़ी विवाद था और उनके मतभेद थे मॉन्टेसरी से, उन्होंने मॉन्टेसरी के मूल सार को अपनाया और उसको भारत के अपने देश की जो एक ठोस धरातल थी उस पर उन्होंने उसको अपनाने की चेष्टा करी। उनके कई जो राइटिंग्स हैं, उनकी कई दूसरी जो पुस्तकें हैं उसमें ये उन्होंने कहीं लिखा भी है कि क्या पता लोग सोचेंगे कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, लोग मुझे पागल भी समझेंगे शायद, तो ज़रूर अकेले होंगे क्योंकि वो अपने ज़माने से बहुत आगे बढ़ के सोच रहे थे। तो जो एक स्कूल आमंत्रित करना चाहिए, स्कूल बच्चों को बुलाना चाहिए, वो बात गिजू भाई ने साबित की। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गिजू भाई ने केवल कहा नहीं, करके दिखाया। हम रविन्द्रनाथ ने भी को याद इसलिए करते हैं करके दिखाया, पर बहुत से ऐसे हमारे हैं, गांधी ने कहा बहुत पर गांधी ने अपना कार्य दूसरे को सौंपा, क्योंकि गांधी के पास इतना समय नहीं था कि सभी काम वो अकेले करते।
विनोबा ने भी सोचा, पर विनोबा ने सर्वोदय पर ज़्यादा काम किया। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सोचा, पर उन्होंने हमारी भारतीय अस्मिता के बारे में ज़्यादा बात कही। गिजू भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो सीधा जिनको बात, जिनके लिए बात कह रहा हूँ, उनके ही पास जाऊँगा। तो वो पहले व्यक्ति थे जो स्वयं बच्चों में चले गए। गिजू भाई जैसे एक एक बच्चे के साथ जुड़ते थे, ऐसे शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी हमें एक एक शिक्षक के साथ जुड़ना होगा। उनकी क्या समझ है, उनकी क्या रुचि है, ये देख के उनको समझाना होगा। और उसमें से कुछ हैं जो खुले होंगे और कहेंगे कि हाँ हम ये प्रयोग करना चाहेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि नहीं नहीं इससे तो समय नष्ट होगा, हमारा कोर्स कब ख़त्म होगा, हम इन बातों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही समस्या है शिक्षकों के साथ भी जो कि बच्चों के साथ रही है। मेरे ख्याल से उनकी आत्मा, जो कुछ भी देश में स्कूलों की हालत है, उसको देख के गिजू भाई की आत्मा खुश तो नहीं होगी और आतुर होगी कि इस तरह का सपना किस तरह से पूरा किया जाए। और उन्होंने अपने जीवन में बच्चों के लिए जो किया वो अभूतपूर्व था। गांधी जी ने उनसे खुद कहा कि देखो मैं तो बच्चों के साथ इतना काम नहीं कर पाया जितना तुमने किया। और क्योंकि गांधी जी उनके समकालीन थे, तो गांधी जी ने गिजू भाई को एक खिताब दिया था। गिजू भाई की लंबी लंबी मूछें थी, तो मुछाली माँ, द मुस्टैश्योर्ड मदर, इस तरह का। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा तमगा खिताब कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि उस इंसान में माँ की एक बहुत असीम ममता थी। और हम, मेरे ख्याल से दिवासव को पढ़ करके तमाम हमारे हज़ारों देश के शिक्षक प्रेरित हुए हैं, क्योंकि इसमें एक उन्हें कहीं किरण रोशनी दिखाई दी है प्रगति की ओर बढ़ने की। दिवा स्वप्न के प्रत्येक प्रयोग को अगर हमारी स्कूलों में अपनाया जाए तो आने वाला कल बहुत ही सुहाना हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उस शिक्षा से गुजरे हुए विद्यार्थी अलग तरह के होंगे, उनकी सोच अलग तरह की होगी, उनका विकास अलग तरह से होगा। तो इसलिए गिजू भाई को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और खास करके दिवा स्वप्न को। गिजू भाई को समझने के लिए हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। एक माँ बाप की हैसियत से, शिक्षक की हैसियत से, गुरु की हैसियत से, समाज की हैसियत से, अभिभावक की हैसियत से, शिक्षा नीति बनाने वाले की हैसियत से, शिक्षा के कार्यक्रम लागू करने वाली संस्थाओं के रूप में उसकी हैसियत से, यदि हम सब मिलकर के ये सोचें कि बच्चे इस देश की आत्मा हैं, बच्चे ही देश हैं, यदि ये मान लें तो गिजू भाई सार्थक हो जाएंगे। वंदना, हमारे आसपास के किसी साधारण स्कूल की साधारण सी शिक्षिका वंदना ने गिजू भाई की किताब दिवा स्वप्न को पढ़ा। उसे लगा कितना सुंदर था उनका प्रयास। सच बात तो ये थी, उसे लगता था कि ये सब आज भी किया जा सकता है। प्रेरणा का साथ मिला और वंदना आगे बढ़ी। तो आइए वंदना के साथ चलते हैं एक एक कदम आगे।